इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम स्केचअप के अंदर रैंप्स या स्लोप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें मैं दो प्लगइन्स की मदद से रैंप को डिज़ाइन करूंगा, जो जिनका लिंक जो सा है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी देता हूं। आप वहां से ये प्लगइन्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये फ्री है वहाँ पर, और फिर उसके ज़रिए से आप स्लोप जो सी वो क्रिएट भी कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करता ये हूँ कि एक आर्क लगाता हूँ, लेट्स से 2 पॉइंट आर्क, ये रैंडम सही कुछ इसको कर्व लेके, और इसको मैं फ़िलहाल कॉपी करके साइड पे रख देता हूँ। ठीक है, अभी इस आर्क को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मेरे पास यहाँ पर ये पहला जो टूल है वो है फ्रेडो टूल्स। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे एक विंडो अपीयर होगी, इसमें डिफरेंट मज़ीद प्लगइन्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जो इस पर्पस के लिए, जो इस ट्यूटोरियल के लिए मैं यूज़ करूँगा बेसिकली वो कर्वी शेयर है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने आर्क सिलेक्ट की हुई है, यहाँ पर जस्ट मैं इस कर्वी शेयर पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि जो भी आप कर्व बनाना चाह रहे हैं वो उसकी हाइट जो सी है वो स्लोप की कितनी आप रख रहे हैं, मतलब टॉप हाइट आप कितनी ये रख रहे हैं। तो टॉप हाइट लेट से मैं कहता हूँ 3 फीट, ठीक है, और बेस हाइट वो मैं 0 पे ही रख देता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद ये पूछता है कि रिवर्स कर्व ओरिएंटेशन, कि आपने जो कर्व की ओरिएंटेशन है वो रिवर्स तो नहीं करनी, अगर करनी है तो यस कर दें वरना नो ही रहने देता हूँ मैं। और जनरेट इन अ ग्रुप, इसका मतलब ये कि जो कर्व अभी आप बनाएंगे, जो लाइंस अभी बनेंगी या जो स्लोप बनेगी लाइंस की, वो ग्रुप में होंगी या नहीं, तो लेट से मैं इसको फ़िलहाल नो ही रहने देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ लाइंस जो सी हैं वो जॉइन हुई हैं, कोई ख़ास स्लोप वगैरह कोई इसमें रीजन नहीं बना हुआ, कोई प्लेन नहीं बना हुआ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो दूसरा टूल है वो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले इनको सेलेक्ट करता हूँ और मेरे पास यहाँ पर कर्वी लॉफ्ट के नाम से एक जो एक और टूल है, प्लगइन है मेरे पास, उस पर यहाँ पर ये जो स्किन है ये क्रिएट इसकी करता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक पॉसिबल जो आप कह लें कि प्लेन है वो मुझे यहाँ पर दे देता है। तो ये मेरे ख्याल से ये ठीक है, इसको मैं सिंपली यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है, और फिनिश। तो ये जो अब मेरे पास जो बन गई है ये काइंड ऑफ एक प्लेन बन गई है, जिसको मैं अपने रैंप की साइड वगैरह भी कह सकता हूँ। तो अब प्रॉपर रैंप किस तरह बनाते हैं, इन्हीं दो टूल्स को मैं यूज़ करते हुए फिर से एक प्रॉपर अब रैंप बनाता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस दफ़ा इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, फ्रेडो टूल्स में जाऊंगा और वहां से कर्वी शेयर पे क्लिक करूंगा। इन चीज़ों को, पैरामीटर्स को मैं वैसे ही रहने देता हूं, इसको ओके कर देता हूं। तो अब ये मेरे पास एक जॉइनिंग लाइंस बन गई हैं, ठीक है। अब अगेन मैं इन सारी लाइंस को सिलेक्ट करूंगा और कर्वी लॉफ्ट की वजह से इन लाइंस को जो जॉइनिंग जो स्किन बनती है, जो प्लेन बनते हैं, तो उन पर मैं ओके कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं ये करता हूँ, ये देख सकते हैं आपके मेरे पास अब जो पॉसिबल जो भी रैंप बनेगा, जो स्लोप बनेगी, वो उसने मुझे दिखा दी है और मैं इसको ओके कर देता हूँ। सॉरी, यस, ठीक है, और अगेन मैं स्टूल से बाहर आता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है ना अपनी रैंप आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास कैड का प्लान पड़ा हुआ हुआ है तो आप इसकी हाइट जो सी है वो चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद में आप जो है ना इसका साइज़ वगैरह वो भी आप चेंज कर सकते हैं, रीसाइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड आपको मज़ीद कुछ भी पूछना है कुछ का, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आगे के ट्यूटोरियल्स में उनका जवाब दे दूँगा। थैंक यू।